देखो ये लीट कोड का दूसरा प्रॉब्लम है एड टू नंबर। ये पूरा लिंक लिस्ट के बेस पे डिपेंडेंट है और लिंक लिस्ट किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में आप ले लो सबसे हार्डेस्ट टॉपिक है। ठीक है, सो आप यहाँ पे देखो लिस्ट वन और लिस्ट टू दिया हुआ है। ठीक है, दोनों लिस्ट का पहला एलिमेंट का समेशन किया, उसके बाद दूसरे एलिमेंट का और उसके बाद तीसरे एलिमेंट का एंड सो ऑन। यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देखो 2 + 5 = 7 होता है, फिर 4 + 6 = 10 होता है, लेकिन यहाँ पे कैरी को आगे फॉरवर्ड किया है। ठीक है, और 0 यहाँ पे रखा है और उसका समेशन आगे नेक्स्ट एलिमेंट में किया है, 3 + 4 = 7 होता है और वो कैरी का वैल्यू यहाँ पे ऐड किया है, यहाँ 8। ठीक है, तो और एक नया पूरा लिस्ट क्रिएट किया है और उसको रिटर्न किया है। ठीक है, सो हम वही करते हैं। सो एक लिस्ट लिस्ट नोड क्रिएट करते हैं, लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट नोड रिजल्ट हेड इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड, इनिशियलाइज वैल्यू इज 0। एक नया लिस्ट नोड क्रिएट करते हैं रिजल्ट टेल, जो पूरे लिस्ट का रिकॉर्ड रखेगी, लिस्ट टेल। ठीक है, हेड और टेल, और एक कैरी को लेते हैं। ठीक है, जो वैल्यू सेव करेगी कैरी की वैल्यू। यहाँ पे हम कंडीशन चेक करवाएंगे, इफ एल वन सॉरी वाइल लूप यहाँ पे यूज़ करेंगे, हमें लिस्ट को ट्रावर्स करना है। सो एल वन इज़ नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर, और एल टू इज़ नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर, और कैर इज़ नॉट इक्वल टू 0। इफ़ एनी कंडीशन विल सेटिस्फाई, वी विल कंटिन्यू टू अवर नेक्स्ट प्रोसेस। ओके, सो मैं यहाँ पे दो वैल्यूज ले लेता हूँ, लिस्ट वन के लिए और लिस्ट टू के लिए, इंटीजर लिस्ट वैल्यू वन एंड वैल्यू टू। कंडीशन चेक करवा लेते हैं, इफ एल वन इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर है, तो हम हमारे वैल्यू वन में लिस्ट एल वन की वैल्यू सेव करेंगे। ठीक है, सेम कंडीशन फॉर टू, यहाँ पे टू कर देता हूँ मैं, और दोनों को यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू एज में 0 असाइन करता हूँ। ठीक है, समेशन कर लेते हैं, सम इक्वल टू वैल्यू वन प्लस वैल्यू टू प्लस कैरी। ठीक है, मैं एक न्यू नंबर करके एक वैल्यू भी सेव करता हूँ जहाँ पे हमारा सम का मॉड्यूलो रहेगा, सो सम मॉड्यूलो 10। ठीक है, और कैरी इक्वल टू सम डिवाइड बाई 10। सो एक कैरी फाइंड करने के लिए पूरा लॉजिक है। ठीक है, अभी एक लिस्ट नोड क्रिएट करते हैं। ठीक है, टेम करके इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड, मैं यहाँ पे हमारा न्यू नंबर का वैल्यू असाइन कर देता हूँ, स्टार्ट इनिशियलाइज वैल्यू, और रिजल्ट टेल में नोड को अटैच कर देता हूँ आगे, तो इसका नेक्स्ट रहेगा अपना टेम। ठीक है, और अपना टेल का आगे नेक्स्ट रहेगा रिजल्ट नेक्स्ट। ठीक है, हमें यहाँ पे कंडीशन चेक करवानी पड़ेगी, अगर लिस्ट लिस्ट का नेक्स्ट एलिमेंट अगर नल पॉइंटर नहीं है तो हमें उसको आगे ट्रावर्स भी करना है, तो एल वन इक्वल टू एल वन डॉट नेक्स्ट, सेम कंडीशन फॉर लिस्ट टू। सो और आफ्टर दैट रिटर्न दी रिजल्ट, सो मैं यहाँ पे हेड को रिटर्न कर देता हूँ नेक्स्ट। सो हमने क्या किया, एक दो वैल्यू लिए और दोनों लिस्ट में से उसका वैल्यू हमने गेट किया, समेशन किया, कैरी फाइंड किया और कैरी को आगे हमने एक वेरिएबल में सेव किया ताकि आगे के एलिमेंट में इसको यूज़ करें। जो नया नंबर वैल्यू आया, समेशन वैल्यू भी आया, उसको हमने यहाँ पे एक लिस्ट नोड में क्रिएट सेव किया और रिजल्ट टेल में उसको अटैच कर दिया और रिजल्ट टेल को नेक्स्ट वैल्यू असाइन कर दी ताकि वो आगे जो नई वैल्यू आ रही है उसको अटैच हो सके, और फिर हमने लिस्ट को आगे ट्रावर्स करवाया। अब इसको रन करते हैं एंड दैट्स इट, ऑल टेस्ट किसी साथ पास। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर लिट कोड प्रॉब्लम 2, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।